हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ के बारे में बताऊंगा, जैसे एनओ स्विच हो गया, वन वे स्विच है, टू वे स्विच है और फैन रेगुलेटर है। इनको किस तरीके से सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, इस वीडियो से आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ एसेसरीज दिखाई जा रही है। देखिए, फर्स्ट एसेसरीज है स्विच बटन, ठीक है ना। इसमें वन वे स्विच आएगा जो फ्लैश टाइप स्विच है, जिसको हम लोग सिंगल फेज एसी के लिए यूज करेंगे और जो 6 एम्पियर का होता है। और इसकी बॉडी बैकलाइट्स की बनी रहती है, इसमें 2 टर्मिनल रहते हैं। स्विच को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे स्विच आते हैं, ये वन वे स्विच है। इसी में एक सेम इसी तरीके का स्विच दूसरा आता है, टू वे स्विच, उसको हम लोग स्टेयर केस वायरिंग में यूज करेंगे, ठीक है। और टू वे स्विच में 3 टर्मिनल रहेंगे, ये भी इसकी बॉडी भी बैकलाइट्स की बनी रहेगी और टर्मिनल कॉपर या ब्रास के बनाए जाते हैं, ठीक है। एक फेज को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है और इसको सर्किट में हम स्टेयरकेस वायरिंग में यूज करते हैं। अगला है 3+2 पिन स्विच, ठीक है। ये सॉकेट होगा, ठीक है, यहाँ पे स्विच लिखा हुआ है मिस्टेक से। तो ये 5 पिन सॉकेट है जिसमें 2 पिन है फेस का और 2 पिन न्यूट्रल्स का रहता है और ऊपर वाला जो बड़ा पिन है वो अर्थिंग का रहता है। फ्लैश टाइप सॉकेट था जो 6 एम्पियर के लिए यूज होता है। अगला है 2 पिन सॉकेट्स। 2 पिन सॉकेट भी फ्लैश टाइप सॉकेट है जो 6 एम्पियर या 10 एम्पियर तक यूज होता है। इसमें हम सिर्फ 2 पिन यूज कर सकते हैं, 2 पिन प्लग लगाते हैं और ये सप्लाई आउटपुट लेने के लिए यूज होता है। उसमें अर्थिंग पिन नहीं रहेगा, 2 पिन वाले में अर्थिंग पिन नहीं रहेगा। इसमें भी फेज और न्यूट्रल के 2 टर्मिनल रहेंगे, टर्मिनल इसके ब्रास के बनाए जाते हैं और बॉडी बैकलाइट्स की बनी रहती है। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर 230 वोल्ट की जो सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई, उसको इंडिकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी बॉडी बैकलाइट्स की बनी है जो वाइट वाली दिख रही है आपको, ठीक है। और अंदर इसमें नियॉन लैंप रहता है, उसके सीरीज में 2 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जो 230 वोल्ट की सप्लाई को दिखाता है। नेक्स्ट है फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है, जो फैन को मिलने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से पूछता है तो एज अ फैन रेगुलेटर का यूज में ट्रैक को यूज किया जाता है, ट्रैक में MT1, MT2 और गेट 3 टर्मिनल होते हैं। अगला है पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर को फ्लेक्सिबल वायर के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, और ये 6 एम्पियर तक की रेटिंग के बनाए जाते हैं। इसकी बॉडी भी बैकलाइट्स की बनी होगी और टर्मिनल ब्रास के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बैटन होल्डर। बैटन होल्डर में 2 टाइप के होल्डर आएंगे, एक एंगल होल्डर होगा, एक स्ट्रेट होल्डर होगा। आप जिस होल्डर का फोटो देख पा रहे हैं ये एंगल होल्डर है, ठीक है। इसी में एक स्ट्रेट होल्डर भी आता है, इसका भी टर्मिनल ब्रास का बनाया जाएगा। ये 10 एम्पियर या 6 एम्पियर तक बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसकी बॉडी बैकलाइट्स की बनी होती है और ये पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने जैसे आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट किया जा सकता है। और जो घरों में वायरिंग होती है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मेन बोर्ड। स्विच बोर्ड आप देख पा रहे हैं जिसमें फैन रेगुलेटर, स्विच और सॉकेट RMS भी कनेक्ट है। अगला है स्क्रू होल्डर, इसको गोली थंब एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर भी बोलते हैं। इसमें जो लैंप लगेगा उसमें भी चूड़ियाँ कटी रहेंगी और स्क्रू की तरह आपको इसमें लैंप को कस देना है, ठीक है। इसकी बॉडी भी बैकलाइट्स की बनी रहती है, जो अंदर टर्मिनल है वो ब्रास का बना हुआ है, ठीक है, और जो सेंटर में जो टर्मिनल रहेगा वो फेज का रहता है। नेक्स्ट है 2-pole MCB। MCB यानी कि मिनीचर सर्किट ब्रेक, जो शॉर्ट मिनीचर सर्किट ब्रेकर जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से सेफ्टी करता है, ठीक है, एक सेफ्टी डिवाइस है। और इसमें भी टर्मिनल्स ब्रास या कॉपर का बनाया जाएगा, बॉडीज का बैकलाइट्स का बनाया है, ये I2RT जूल के सिद्धांत पर कार्य करता है। RCCB रिजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये जो लीकेज करंट है उससे प्रिकॉशंस के लिए, प्रोटेक्शंस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसमें एक टेस्ट बटन होता है जिसको दबा करके आप चेक कर सकते हैं कि RCB काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें भी आपको फेज न्यूट्रल ऊपर से इनपुट देना है और नीचे से लोड के लिए फेज न्यूट्रल आउटपुट ले लेना है।
मेन स्विच, नेक्स्ट है मेन स्विच बॉक्स। देखिए मेन स्विच बॉक्स उसमें किटकैट फ्यूज़ लगाया हुआ है, इसको रिवायरेबल फ्यूज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्यूज हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट रहता है। इसमें चेंज ओवर भी दिया हुआ था स्विच की तरह, भी नाइफ स्विच की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला है ट्यूबलाइट होल्डर। ट्यूबलाइट होल्डर बैकलाइट्स के बने होंगे, इसके टर्मिनल्स भी ब्रास या कॉपर का बनाया जाता है, जिसमें ट्यूबलाइट्स को आपको घुमा करके फिट करना होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में जो चार टर्मिनल है दोनों साइड से, दो दो टर्मिनल्स से कनेक्ट किया जाता है। अगला है सीलिंग रोज। सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं सप्लाई लेने के लिए। सीलिंग रोज का बॉडी बैकलाइट्स का ही बना होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना रहता है, और जो टर्मिनल्स हैं वो कॉपर या ब्रास के बनाए जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीसियंस है, आपको उसको एडिशनल सप्लाई देने के लिए कहीं पर पॉइंट छोड़ना है, तो उस वहाँ पर हम लोग सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन, इन चीज़ों को अगर सप्लाई देने के लिए आपको कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सीलिंग रोज लगाया जाता है। नेक्स्ट है टू पिन। टू पिन इलेक्ट्रिकल प्लग, इसमें दो टाइप का आता है, टू पिन एंड थ्री पिन। टू पिन आपको टू पिन सॉकेट्स में, जो पहले आपने सॉकेट देखा था उसमें टू पिन यूज होगा, ठीक है। और थ्री पिन के लिए फाइव पिन सॉकेट में थ्री पिन यूज होता है। टू पिन वाले में अर्थिंग का पिन नहीं रहता है, इसमें फेज और न्यूट्रल रहता है। इसका बॉडी बैकलाइट्स का बना होगा और जो कनेक्टिंग टर्मिनल है वो ब्रास का बना रहता है। फिर थ्री पिन में अर्थिंग का पिन रहेगा, अर्थिंग का पिन इसमें मोटा रहता है क्योंकि ये जो लीकेज करंट है उसको सहन कर सके, और वो थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि फेज न्यूट्रल से पहले सॉकेट को टच कर सके। ये भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थ्री पिन का थ्री पिन प्लग है उसका अर्थिंग पिन मोटा क्यों होता है, ठीक है। इसमें फेज न्यूट्रल और अर्थिंग की तीन पिनें रहती हैं। बॉडी बैकलाइट्स की बनी होंगी और टर्मिनल्स इसका ब्रास का बना होगा। अगला है प्लग एडेप्टर, ठीक है। एडेप्टर का प्रयोग भी हम लोग सप्लाई लेने के लिए ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये प्लग आपको पहले सॉकेट में इंसर्ट करना है, फिर इसके बाहर से आप थ्री पिन प्लग लगा करके सप्लाई ले सकते हैं। ऐसे ही में एक प्लग एडेप्टर की जगह पर एक एडेप्टर होल्डर भी आता है, जिसके बाहर लैंप लगा होता है और उसके साइड में आपको टू पिन प्लग लगाने के लिए स्पेस दिया जाता है। नेक्स्ट है कटआउट किटकैट फ्यूज, इसको रिवायरेबल फ्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। ये रहा इसका जो इसका एक भाग दीवार में फिट किया जाएगा, जो बॉक्स है उसको फिट किया जाता है, और एक बाहर रहता है, बाहर वाले में फ्यूज़ लगाते हैं, अंदर वाले को किट बोलते हैं, बाहर को कैट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम किटकैट फ्यूज है। और इसका बॉडी चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सलिन का बना होगा, टर्मिनल ब्रास या कॉपर का बनाया जाता है। फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पाइप, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल्स में वायरिंग में यूज होगा, इसमें आपको टी दिख रहा है, जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। ये फोर वे जंक्शन बॉक्स, वन वे जंक्शन बॉक्स, टू वे जंक्शन बॉक्स है, और बैंड एल्बो वगैरह दिखाया है, जो सारा मटेरियल्स पीवीसी का ही बना होगा। अगला है डीपीएस यानी कि डबल पोल स्विच, ठीक है। ये रहा इस, ये एक तरीके का मेन स्विच है, इसमें भी दो फेज ऊपर से, फेज न्यूट्रल ऊपर से और फेज देना होता है सप्लाई, और फेज न्यूट्रल आउटपुट लेना होता है। ये एक साथ दोनों को डिसकनेक्ट करता है, और उसी के पैरेलल में एक इंडिकेटर को कनेक्ट किया रहता है, उसका बॉडी पोर्सलिन का बना होगा। किटकैट फ्यूज, किटकैट फ्यूज एक रिवायरेबल फ्यूज है, ठीक है। ये है देखिए, इसको भी आप, इसमें जो फ्यूज़ लिखा हुआ है इसको बाहर खींच करके किटकैट की तरह इसमें भी फिट कर सकते हैं। ये फ्लैश टाइप किटकैट फ्यूज है, ठीक है। अगला है एंगल होल्डर। देखिए ये रहा है एंगल होल्डर्स, ठीक है। ये बटन होल्डर का ही टाइप है, जो उसका लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है ना। एंगल होल्डर्स इसमें थोड़ा सा नीचे को रहेगा, स्ट्रेट होल्डर रहेगा तो उसमें सामने को रहेगा लैंप के लिए। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी क्लैंप, ठीक है। देखिए पीवीसी क्लैंप, इसको इसी का बड़ा रूप सैडल बोला जाता है। ये आपको सिंगल वायर को दीवार पर रोकने के लिए यूज में आता है, ठीक है। इसको टेलीफोन क्लिप के नाम से भी जाना जाता है, स्लीव, ठीक है।
फिर है जी आई क्लैम्प, अगर वो गैल्वनाइज आयरन का बना हुआ है तो उसको जी आई क्लैम्प बोला जाता है, अगर पीवीसी का बना होगा तो पीवीसी क्लैम्प बोला जाता है, ठीक है। इसी को अगर ये इस तरीके का बड़ा जो पीवीसी का बना रहता है उसको सेडल बोलते हैं, और जो जीआई का बनता है उसको जीआई सेडल, ये इसको जीआई सेडल भी बोलते हैं, जीआई क्लैम्प भी बोलते हैं। अगला है स्टार स्क्रू ड्राइवर। स्टार स्क्रू देखिए, स्टार स्क्रू को हमेशा स्टार स्क्रू ड्राइवर से ही कसना चाहिए, ये वुडन स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे बेस्ट माना जाता है लकड़ी के लिए, ठीक है। इसका हेड जो है वो स्टार स्क्रू वाला है। अगला फिर से नेक्स्ट पॉइंट है जंक्शन बॉक्स, ये वन वे टू वे थ्री वे अलग अलग जिस तरीके के सर्किट में हो सकता है आप हम उस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर आपको फोर वे जंक्शन बॉक्स दिखाया गया है, ये दो तरीके का आता है, एक पीवीसी में आता है और एक मेटल में आता है, ठीक है। इसको हम लोग कंड्यूट वायरिंग में यूज करते हैं, कंड्यूट वायरिंग सरफेस के अंदर भी हो सकता है या सरफेस के बाहर भी, दोनों जगह इसका यूज किया जाता है। जो आजकल मॉड्यूलर वायरिंग चल रहा है उसके लिए मेटल का यूज किया जाता है, पहले पीवीसी का यूज किया जाता था, अब ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप, इसको पीवीसी इंसुलेशन टेप भी बोलते हैं, जहाँ पर आपको जॉइंट लगाना है या कहीं पर वायर का इंसुलेशन ख़राब हो रखा है तो वहाँ पर ये टेप यूज किया जाता है, ठीक है। इंसुलेशन टेप है, पीवीसी टेप भी बोला जाता है इसको, इसकी भी अपनी वोल्टेज रेटिंग रहती है और इस पर लिखा रहता है कि इसकी कितनी वोल्टेज रेटिंग रहती है, 600 वोल्ट तक के लिए इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर, इसमें वीआईआर वायर, पीवीसी वायर, ये वायरें यूज होती हैं, ठीक है। और देखिए ये अलग अलग कोर अलग अलग एमएम में आएगी, 1.5 mm² 1 या 0.5 mm² 2.5 mm² 4 mm², जिस हिसाब से आपने लोड लगाना है उसी के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। फेज के लिए रेड यूज करेंगे, अर्थिंग के लिए ग्रीन यूज करेंगे और न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर यूज करेंगे। नेक्स्ट है सिंगल कोर वायर। सिंगल कोर वायर के अंदर एक ही कोर होगा, ठीक है। सिंगल कोर वायर के अंदर एक ही कोर होता है, ये RYB किसी भी कलर में आपको मिल सकता है। देखिए कॉपर का सिंगल कोर वायर है, इसका मतलब इसके अंदर एक ही कोर होगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डबल कोर इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है। इसमें दो इसकी कोरों की संख्या दो होगी इस वायर के अंदर, जैसे आपने फर्स्ट कोर बस में कोर एक देखा था, इसके अंदर दो होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्रोड के बाहर से इंसुलेशन रहता है, फिर उन दोनों वायरों के बाहर से फिर से एक इंसुलेशन रहता है, इसको ड्यूअल कोर वायर बोला जाता है। इसमें फेज और न्यूट्रल के लिए दो ही वायर होती हैं। इस तरीके से थ्री कोर वायर में दो वायर फेज और न्यूट्रल्स की रहेगी, ठीक है, और एक वायर रहेगा अर्थिंग का। फुट लैम्प्स देखिए, ये फुट लैम्प है, ठीक है। इसका बॉडी भी पीवीसी का ही बना होगा और ये ऑपरेट करने के लिए फुट से ही ऑपरेट होगा। देखिए ये इंड कैप, कहीं पे आपको कुछ अगर इंसुलेटेड कवर करना है तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हेक्सा ब्लेड। देखिए ये हेक्सा ब्लेड है, यह वन साइड डबल साइड दोनों में आता है, ऊपर वाला वन साइड है, नीचे वाला डबल साइड है, और इसकी दूरी दोनों छिद्रों के बीच से माप, इसकी जो हेक्सा ब्लेड की लंबाई है वो दोनों छेदों के बीच में मापी जाती है। ये मेटल काटने के लिए या पीवीसी काटने के लिए यूज होता है। केसिंग कैपिंग, केसिंग कैपिंग पीवीसी का यूज होगा, ठीक है। ये अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग पैनल्स में या वायरिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये देखिए ये केसिंग कैपिंग है, इसमें जॉइंट्स अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं और जितने आवश्यकता है आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसका साइज हम लोग अलग अलग ले सकते हैं। ये अलग अलग एमएम में प्रेजेंट रहता है। अगला है कवर प्लेट। देखिए कवर प्लेट
पीवी जो स्विच बॉक्स के बाहर से लगता है, ये मॉड्यूलर केस का आपको दिखाया गया है। मॉड्यूलर स्विच या सॉकेट लगाने के बाद आप इसको बाहर से उसके कवर करने के लिए लगाते हैं, तो इसको कवर प्लेट बोला जाता है। ये भी पीवीसी का ही बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैल स्विच। बैल स्विच को केवल आपको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना होता है, ये इसका प्रिकॉशंस है। अदरवाइज बैल की कॉइल जलने का इसमें बैल की कॉइल जलने का खतरा रहता है। कुछ सेकंड तक प्रेस करना है, उसके बाद ये अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यह हैवेल्स का फ्लैश टाइप बैल स्विच सब को शो कराया है। नेक्स्ट है हैंगिंग बैल स्विच। ठीक है, हैंगिंग बेल स्विच देखिए, ये रहा इस, ये पेंडेंट जिस तरीके से बैट स्विच रहता है उसी तरीके से हैंगिंग बेल स्विच रहता है, और इसको फ्लेक्सिबल वायर के द्वारा लगाया जाता है। इसमें टर्मिनल ब्रास या कॉपर का बना रहता है। बॉडी इसमें भी बैकलाइट्स की बनी रहेगी। टीवी आउटलेट, अगला है टीवी आउटलेट, टेलीविजन आउटलेट। देखिए ये टीवी आउटलेट है जिससे जो हाउस वायरिंग के साथ ही फिट किया जाता है, इससे आप डिस का कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आपने घरों में स्विच या सॉकेट के साथ ये लगा हुआ देखा होगा, ये टीवी आउटलेट के नाम से जाना जाता है। एसएस कंबाइंड, देखिए ये सॉकेट एंड स्विच कंबाइंड है, एसएस कंबाइंड। इसमें स्विच और सॉकेट एक साथ रहता है। ये 16 एम्पियर के लिए बनाया जाता है, पावर के लिए यूज किया जाता है, जैसे इंडक्शन चूल्हा हो गया या हीटर है, इमर्सनल रॉड है, उन चीज़ों के लिए ये एसएस कंबाइंड यूज किया जाता है। स्विच एंड सॉकेट कंबाइंड बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल सरफेस बॉक्स, देखिए इलेक्ट्रिकल सरफेस बॉक्स है। इसमें जो स्विच बॉक्स है, स्विच बॉक्स भी लगा सकते हैं, एमसीबी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये पीवीसी बॉक्स है जो दीवार पे फिट किया जाता है ड्रिल मशीन की सहायता से। पहले पीवीसी स्लीव आपको फिट करना है, पीवीसी स्लीव के बाद ये बॉक्स फिट किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थिंग रॉड या अर्थिंग, ये प्लेट अर्थिंग के लिए है। अर्थिंग मनुष्य को, ह्यूमेंस को शॉक से बचाता है या मशीन की सेफ्टी के लिए अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, ये अर्थिंग रॉड कॉपर का बनाया जाता है। इसकी गहराई कम से कम 2.5 मीटर से 3 मीटर तक रखी जाती है। ठीक है, और अर्थिंग हमेशा नमी वाले जगह पर करना चाहिए। और ये अर्थिंग प्लेट दिखाया गया, एक साइड रॉड है एक साइड प्लेट है। ठीक है, ये आपको अर्थिंग वाले चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे। इसका डायमेंशन 3 मीटर रखना चाहिए और इसको नमी वाले जगह पर करना है अर्थिंग को हमेशा। और अर्थिंग करने के बाद इसका रेजिस्टेंस 1 ओम के अप्रॉक्स आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो शेयर कीजिए। Thank you.